नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए जन औषधि केंद्र को लेकर भी ऐलान किया। पीएम मोदी ने सरकार का लक्ष्य बताते हुए कहा कि अब योजना देश भर में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की है। जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ ही ये लोगों की कमाई का भी अच्छा जरिया बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जिन दवाओं की कीमत 100 रुपए है, इन जन औषधि केंद्रों पर हम उन्हें महज 10 से 15 रुपए में उपलब्ध करा रहे हैं। तहरीक ए तालिबान यह आतंकी संगठन पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुका है। टीटीपी ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर असली आजादी की अपील की है। साथ ही उसने भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का उदाहरण देकर उसने पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़का है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को जो आजादी मिली वह उसका फायदा नहीं उठा पाया है। आर्थिक संकट, गरीबी, हिंसा, भ्रष्टाचार, इस्लामिक सिस्टम की कमी ने देश को शांति और संबंधशीलता से दूर कर दिया है। इसके साथ ही टीटीपी ने मुल्क में मौजूद संकट के लिए पाकिस्तान की आर्मी को दोष दिया है। इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंग में रोशन देखा जा सकता है। इसके अलावा इस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर भी दिख रही है। तिरंगे के अलावा इस पर लिखा है, भारत को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, भारत यूएई दोस्ती अमर रहे। साथ ही हिंदी में लिखा है, हर घर तिरंगा। इस गूंज बम्प देने वाले वीडियो के बैकग्राउंड में भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन बज रहा है। बुर्ज खलीफा पर अक्सर मित्र देशों का राष्ट्रीय ध्वज उनके राष्ट्रीय दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर प्रदर्शित किया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर उनकी समाधि स्थल पर सदैव अटल पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेताओं का भी तांता लगा रहा। अटल जी को श्रद्धांजलि देने वाले नेताओं में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल थे। गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया है। सनी देओल की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हर दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, लेकिन पांचवें दिन फिल्म ने जो कलेक्शन किया है वो फिल्म क्रिटिक्स की कल्पना से भी परे है। गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया है। सनी देओल की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हर दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, लेकिन पांचवें दिन फिल्म ने जो कलेक्शन किया है वो फिल्म क्रिटिक्स की कल्पना से भी परे है। गदर 2 ने 15 दिवस के हॉलीडे पर जमकर कैश किया। फिल्म ने 55 करोड़ का विस्फोटक कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म का 5 दिन का कुल कलेक्शन 228 करोड़ हो गया है। सनी देओल की फिल्म 200 करोड़ की क्लब में एंट्री कर चुकी है। फिल्म का ऐसा शानदार कलेक्शन मेकर्स, स्टार कास्ट और फैंस के लिए बड़ी ट्रीट से कम नहीं है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का सीधा असर दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर पर भी पड़ रहा है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। अधिकारियों के मुताबिक नदी के किनारे निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है, लेकिन स्थिति के गंभीर होने के आसार कम है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर आज सुबह 5 बजे 205.43 मीटर रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं सुबह 6 बजे यह घटकर 205.35 मीटर दर्ज किया गया। हालांकि ये वार्निंग लेवल यानी खतरे के निशान 204.50 मीटर के पार है। यमुना का डेंजर लेवल 205.33 मीटर है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 19वीं राउंड की बैठक हुई। ये बैठक 13 और 14 अगस्त को भारतीय सीमा पर चुसूल मोल्डो में आयोजित की गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पश्चिमी क्षेत्र में LAC पर शेष मुद्दों के समाधान पर सकारात्मक और लंबी चर्चा हुई। दोनों देशों ने खुले और दूरदर्शी तरीके से विचारों का आदान प्रदान किया और शांति बनाए रखने पर जोर दिया है। वार्ता के समापन के बाद एक दिन बाद मंगलवार को संयुक्त बयान जारी किया गया। दोनों पक्षों ने शेष मुद्दों को शीघ्र हल करने और और राजनयिक चैनलों के जरिए बातचीत को बनाए रखने पर सहमति जताई है। दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने पर भी सहमत हुए हैं। 16 अगस्त को चंद्रयान 3 ने अपनी ऑर्बिट को चौथी बार बदला। बता दें कि इस बारे में इसरो के द्वारा ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि आज की सफल फायरिंग जो थोड़े समय के लिए आवश्यक थी ने चंद्रयान 3 को अपनी मनसा के अनुरूप 153 किलोमीटर गुना 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया है। इसके साथ ही चंद्रयान अध्यायभ्यास पूरा हो चुका है। अब तैयारियों का समय आ गया है क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैडर मॉड्यूल अपनी अलग अलग यात्राओं के लिए तैयार है। लैडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करने की योजना 17 अगस्त 2023 को बनाई गई है। हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाने वाली महिला जूनियर एथलेटिक कोच को हरियाणा खेल विभाग ने निलंबित कर दिया है। महिला कोच ने दिसंबर 2022 में चंडीगढ़ में संदीप सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। खेल विभाग के निदेशक यशेंद्र सिंह ने 11 अगस्त के एक आदेश में कहा, जिला खेल अधिकारी पंचकुला के कार्यालय में तैनात जूनियर एथलेटिक कोच की सेवाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम अब आधिकारिक रूप से बदलकर पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया है। ये नाम परिवर्तन सोमवार से प्रभावी हो गया है। स्वतंत्रता सेनानी पर नाम परिवर्तन को औपचारिक रूप दे दिया गया। बता दें कि नृपेंद्र मिश्रा पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष है। नृपेंद्र मिश्रा इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य सचिव थे। बता दें कि जून महीने में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की एक विशेष बैठक में इसका नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी करने का फैसला किया गया था। हरियाणा के नूह, गुरुग्राम और अन्य इलाकों में पिछले महीने हुई सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने बजरंग दल के सदस्य और गौरक्षक बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद से सामने आए सीसीटीवी फुटेज में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी काफी देर तक उसका पीछा करने के बाद उसे पकड़ते नजर आ रहे हैं। उस पर दंगा करने, हिंसा करने, धमकी देने, सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी अधिकारी को ड्यूटी से रोकने और घातक हथियार से नुकसान पहुंचाने का आरोप है। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नयादी ने अंतरिक्ष से नई दिल्ली की एक शानदार छवि शेयर करके देश को शुभकामनाएं दी हैं। यह तस्वीर पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ली गई थी। नयादी ने तस्वीर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, दुनिया भर के सभी भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। अंतरिक्ष से भारत की राजधानी नई दिल्ली की एक तस्वीर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, उर्दू, तमिल, बांग्ला, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी और असमिया सहित 11 भारतीय भाषाओं में भारतीयों को नमस्ते कहकर अभिवादन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस महीने के अंत में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन की तीसरी महत्वपूर्ण बैठक से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए वित्तीय राजधानी का दौरा करेंगे। सूत्रों ने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुंबई जाएंगे और महाविकास अघाड़ी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और भारत की तीसरी बैठक की तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। इंडिया गठबंधन की तीसरी महत्वपूर्ण बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर की मुंबई में होने वाली है। इंडिया की बैठक के दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए से कैसे मुकाबला किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मंगलवार को प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता मुरारी बापू की रामकथा के आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जो इस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित परिसर में चल रही है। हिंदू धर्म के अनुयायी और ब्रिटेन में भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जय सियाराम का अभिवादन करते हुए मुरारी बापू की व्यासपीठ पर पुष्प अर्पित किया। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मुरारी बापू की रामकथा में आज आना वास्तव में सम्मान और खुशी की बात है। बापू, मैं आज यहाँ एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक हिंदू के रूप में हूँ। मेरे लिए आस्था बहुत व्यक्तिगत है। केंद्र सरकार के भारतीय डाकघर अधिनियम में प्रस्तावित सुधार से कर्मचारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में डाक पार्सल खोलने की अनुमति मिल जाएगी। इसके अलावा अधिकारियों को शुल्क चोरी का संदेह होने पर उन्हें संबंधित अधिकारियों को भेजने भी सख्ती भी दी गई है। द हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार ये प्रावधान पोस्ट ऑफिस बिल 2023 का हिस्सा है, जिसे हाल ही में समाप्त हुए मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने या हिरासत में लेने या सीमा शुल्क प्राधिकरण को सौंपने की सख्ती निर्धारित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवादित समाचार प्रसारित करने के लिए टेलीविजन चैनलों पर लगाया जाने वाला 1,00,000 रुपए जुर्माना पर्याप्त नहीं है। अदालत में यह भी कहा गया है कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल एसोसिएशन का स्व नियामक तंत्र अप्रभावी है। लाइव लॉ के अनुसार मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि आप जो जुर्माना लगाते हैं वो क्या है, टीवी चैनलों एक कार्यक्रम में विज्ञापन से कितना कमाता है, किसी भी टीवी चैनल के पास आपके स्व नियामक तंत्र का अनुपालन करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं है और यदि उल्लंघन के लिए आप 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाने जा रहे हैं तो ही क्या है। मणिपुर सरकार ने सभी कर्मचारियों को अलगाववादी, राष्ट्र विरोधी, सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले सोशल मीडिया समूहों से बाहर निकालने का 1 साल पुराना आदेश फिर से जारी किया है। आदेश में चेतावनी दी गई है कि हिंसाग्रस्त राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश करने वाले, किसी भी चीज या भड़काने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति से जुड़े पाए जाने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे के बीच अब मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद के भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि कथित शाही ईदगाह मस्जिद पर हिंदू समुदाय का अधिकार है। उन्होंने दावा किया है कि इसका निर्माण मंदिरों को तोड़कर किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि विवादित भूमि के संबंध में कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और मस्जिद समिति की ओर से पेश दावे का विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराना जरूरी है। क्रिकेट के वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के भिड़ने का मतलब क्या होता है, इसका अंदाजा आप अहमदाबाद के ताजा हालात से लगा सकते हैं, जहां सभी चीजों के किराए में आग सी लग गई है। फिर चाहे वो होटल का कमरा हो या फिर फ्लाइट के टिकट। बता दें कि वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल शेड्यूल आने के बाद से ही अहमदाबाद में होटल के रूम बुकिंग में तेजी आई है। शहर में महंगाई आसमान छूती दिख रही है, हर चीज के दाम बढ़े हैं। 3 से 5 स्टार होटल का किराया 20,000 रुपए से लेकर 2,50,000 रुपए तक पहुंच गया है।
नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय करने पर पीएमएमएल के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को महसूस हुआ कि देश में पीएम का एक संग्रहालय होना चाहिए। फिर सवाल उठा कि यह कहां बनाया जा सकता है। इस पर फैसला लिया गया कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सही जगह है। प्रकाश ने कहा कि एनएमएमएल के चुनने का कारण यह है कि हमारे पास 28 एकड़ की संपत्ति है। वह आदर्श स्थान है क्योंकि वहां पहले से ही नेहरू संग्रहालय स्थित है। हम सबका एक ही विचार था कि भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के काम को प्रदर्शित करना। 16 अगस्त से बिहार मुखिया महासंघ के नेतृत्व में राज्य भर के मुखिया 31 अगस्त तक अपने वेतन भत्ते में बढ़ोतरी, सुरक्षा समेत अन्य मांगों को लेकर अपनी सरकारी कार्य का बहिष्कार करते हुए राज्य की नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार दोनों के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें कि इस हड़ताल के अंतर्गत 22 अगस्त को प्रखंड स्तर तो वहीं 29 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस हड़ताल के संबंध में मुखिया का कहना है कि अगर इस हड़ताल के बाद भी सरकार की ओर से कोई मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो फिर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। ठग सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ की ठगी मामले में लंबे समय से कोर्ट के चक्कर लगा रही एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब एक्ट्रेस को विदेश यात्रा करने के लिए कोर्ट की इजाजत नहीं लेनी होगी। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जिसके चलते एक्ट्रेस को लगातार ट्रायल का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में कोर्ट की ओर से ये राहत एक्ट्रेस के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। खेल प्रेमियों के बीच आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का उत्साह चरम पर है। क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर से हो रही है। आयोजन में 50 दिन से कम का समय रह गया है। आईसीसी ने प्रमोशन की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार सुबह ताजमहल में क्रिकेट विश्व कप की ट्रॉफी लाई गई। ट्रॉफी की शूटिंग के लिए रख दिया गया। जोश से भरपूर क्रिकेट प्रेमियों में ट्रॉफी के साथ सेल्फी लेने और वीडियो बनवाने की होड़ मच गई। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों की भीड़ को काबू करने में पसीने छूट गए। खेल प्रेमियों के उत्साह को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने दूर से सेल्फी लेने और वीडियो बनाने की इजाजत दी। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2024 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 अगस्त 2023 से शुरू होने की उम्मीद है। परीक्षा का आयोजन IISc बेंगलुरु की ओर से किया जाएगा। संस्थान की ओर से जारी टेंटेटिव परीक्षा शेड्यूल के अनुसार उम्मीदवार गेट एग्जाम के लिए 29 सितंबर 2023 तक आवेदन कर सकेंगे। हालांकि आवेदन करने की अंतिम तिथि भी फिलहाल संभावित नहीं है। सटीक डेट संस्थान की ओर से जल्द ही पोर्टल https://gate2024.iisc.ac.in पर जारी की जाएगी। पिछले वर्ष सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू यादव अब पूरी तरह से फिट है और सामान्य रूप से आवागमन भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में लालू यादव ने अपने राजनीतिक साथी शिवानंद तिवारी के साथ पटना में मरीन ड्राइव की सैर की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों को हाथ मिलाकर अभिवादन किया और उन्हें स्वीकार भी किया। उन्होंने इस दौरान कुल्फी का भी स्वाद दिया। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी सहित पक्ष विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और अपने साथी मनीष सिसोदिया को याद किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि आज मेरा जन्मदिन है, बहुत से लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे मनीष की याद आ रही है। वह एक झूठे मामले में जेल में है। आइए आज हम सभी प्रण करें कि हम भारत के हर बच्चे को सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ करेंगे। सोने के दाम में आज गिरावट देखी जा रही है और ये पिछले ट्रेंडिंग सेशन से सस्ता होकर मिल रहा है। सोना जहां गिरावट पर है, वहीं चांदी में हल्की तेजी बनी हुई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना आज 109 रुपये या 0.18% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। MCX पर सोना आज 58,865 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर कारोबार कर रहा है। इसके नीचे में दाम 58,802 रुपये तक गए थे और ऊपर में इसके रेट्स 58,869 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचे हैं। वहीं MCX पर चांदी में हालांकि 41 रुपये प्रति किलो की ही तेजी देखी जा रही है। MCX पर चांदी के दाम आज 69,995 रुपये के रेट पर है। आज ऊपरी भाव में चांदी 70,036 रुपये प्रति किलो के रेट पर कारोबार कर रही थी। वहीं नीचे में चांदी के भाव 69,833 रुपये प्रति किलो के रेट पर थे। बिहार के 21 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इन सब के बीच उत्तरी बिहार में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सीतामढ़ी में बागमती नदी उफान पर है। बागमती खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सुपौल में कोसी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। कोसी नदी के जलस्तर में 2 दिनों में गिरावट दर्ज की गई है। 2 दिन पहले कोसी बराज से 4,62,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया था। फिलहाल बुधवार की सुबह 1,78,865 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज है, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के घरों से पानी उतर गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने टीचर के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कैंडिडेट्स 20 अगस्त 2023 रात 12 बजे से पहले तक BSEB की आधिकारिक मेल ID computerscell@gmail.com के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। यह भर्ती फुल टाइम बेसिस के आधार पर निकाली गई है। बता दें कि बिहार बोर्ड ने फिजिक्स टीचर पदों भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित टीचर की नीट और JEE की तैयारी करनी होगी, जो बिहार बोर्ड की ओर से मेधावी छात्र छात्रों के लिए शुरू की गई मुफ्त योजना है।
बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में जो पदाधिकारी और कर्मी 3 वर्ष या इससे अधिक समय से कार्य कर रहे हैं उनको जिला में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मालूम हो कि इस बारे में अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा बीईपी के राज्य परियोजना निदेशक और निगम के प्रबंधन निदेशक को हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया, नुनू गोलू कुमार, बाबूलाल मरांडी, सुरुचि सिन्हा। अब से बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।